गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 5, सब्जेक्ट मेंटल मैथ, चैप्टर 3, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चैप्टर 3 है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन दिए हैं आप लोग को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का 4 आंसर दिए हैं, जिसमें एक सही होगा उसको टिक करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन का 4 आंसर दिए रहे हैं, जिसमें एक सही होगा उसको टिक करना है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स इज, ए में दिया है 90, बी में दिया है 99, सी में दिया है 900 और डी में दिया है 99,900। इसमें कोई एक आंसर सही होगा उसको टिक करना है। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप लोगों को बताएंगे सारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन 1 कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन 2 का कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन 3 कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 4 कैसे सॉल्व करते हैं, सारे सॉल्यूशन बताएंगे आप लोगों को। क्वेश्चन 2 दिया है कि डिवाइड करना है 6660 में 10 से डिवाइड करना है। फिर इसका आंसर दिए थे, 4 आंसर दिए, उसमें से एक सही उसको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 दिए कि द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट नेचुरल नंबर एंड लीस्ट होल नंबर इज, द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट नेचुरल नंबर एंड लीस्ट होल नंबर इज। सबसे छोटा नेचुरल नंबर और सबसे छोटा होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। इसका भी 4 आंसर दिए हुए हैं, ए में दिए हैं 1, बी में दिए हैं 0, सी में दिए हैं बोथ ऑफ देम और डी में दिए हैं नन ऑफ दिस। इसमें भी कोई एक आंसर सही उसको टिक करना है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसका सॉल्यूशन बताएंगे आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि द नंबर ऑफ आवर्स इन, द नंबर ऑफ आवर इन 14,400 सेकेंड इज। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 14,400 सेकेंड में कितना आवर होगा, इसका भी 4 आंसर दिए हैं, 2, बी में दिए हैं 3, सी में दिए हैं 4 और डी में दिए हैं नन ऑफ दिस। इसका भी सॉल्यूशन बताएंगे, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, सेकेंड को आवर में कैसे चेंज करते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है 5 की द कॉस्ट ऑफ 10 चेयर इज, द कॉस्ट ऑफ 10 चेयर इज 3,600 रुपीज, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। क्वेश्चन में दिया है कि 10 चेयर का कॉस्ट 3,600 है, इसलिए एक चेयर का कॉस्ट कितना होगा, इसका भी 4 आंसर दिए हैं, ए में दिए हैं 36 रुपीज, बी में दिए हैं 360 रुपीज, सी में दिए हैं 600 रुपीज और डी में दिए हैं नन ऑफ दिस। इसमें भी कोई एक आंसर है उसको टिक करना है। और क्वेश्चन देखते हैं 1 कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर और 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखे थे कि द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स इज, ए में दिया है 90, बी में दिया है 99, सी में दिया है 900 एंड डी में दिया है 99,900। सॉल्यूशन,
कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को? ग्रेटेस्ट ऑफ द थ्री डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट ऑफ द थ्री डिजिट नंबर इज इक्वल टू हो गया आप कहाँ से 999। फिर यहाँ पर लिखें कि स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री डिजिट नंबर इक्वल टू 100 हो गया। अभी दोनों को प्रोडक्ट निकालना, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किए हम लोग दोनों को, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आ गया हम लोग का है 99,900। इसका ऑप्शन होगा डी नंबर, डी में हो गया आप कहाँ से 99,900। क्वेश्चन नंबर टू लिखे थे कि दोनों को डिवाइड करना हम लोग है, डिवाइड करने के बाद जो आंसर है उसको टिक करना है। नंबर दिया है आप कहाँ से 6,660 को 10 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड किया हम लोग 6 बार में 60 आ गया, फिर दोनों को माइनस किए 6 हो गया, ऊपर ले फिर 6 उतारे, फिर 6 बार में 60 हो गया, फिर दोनों को माइनस किए 6 आ गया, ऊपर ले फिर 0 उतार ले, फिर इसको 6 बार में ले गए 60 हो गया, दोनों कट गया आप कहाँ से, इसलिए इसका आंसर हो गया 666। दोनों को डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आएगा 666, इसलिए इसका आंसर हो गया बी नंबर, बी को टिक कर लेना 666 होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री लिखे थे कि द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट नेचुरल नंबर एंड ए होल नंबर इज, इसका ऑप्शन दिया है 1, बी में दिया है आपका 0, सी में दिया है बोथ ऑफ देम एंड डी में दिया है नन ऑफ देस। सॉल्यूशन, लीस्ट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1 होगा और लीस्ट होल नंबर इक्वल टू 0 होगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 0 इक्वल टू 0 होगा, इसका आंसर होगा बी नंबर। ए आपका 1 दिए थे, बी दिए थे 0, सी दिए थे बोथ ऑफ देम होगा और डी दिए थे नन ऑफ डी दिए थे, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो गया, इसलिए इसका आंसर होगा बी, बी को टिक कर लिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 लिखे थे कि द नंबर ऑफ आवर्स इन 14,400 सेकेंड इज, इसका ए ऑप्शन दिए हैं 2, बी ऑप्शन दिए 3, सी ऑप्शन दिए 4 और डी ऑप्शन दिए नन ऑफ दिस। सॉल्यूशन, तो 1 आवर को पहले सबसे पहले सेकेंड में चेंज किया हम लोग, तो 60 × 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आवर इज इक्वल टू इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 × 60 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 3,600 सेकेंड होगा। 1 आवर इज इक्वल टू 3,600 सेकेंड हो गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ हम लोग इस, अब इतना 14,400 सेकेंड को आवर में चेंज करना हम लोग आए, तो दोनों को डिवाइड किए हम लोग, दोनों को डिवाइड किए, नंबर दिए थे हम लोग 14,400 को हम लोग 3,600 से डिवाइड किए, 4 टाइम्स में चला गया, 4 टाइम्स में ले जाएंगे तो 14,400 आएगा, इसलिए इसका आंसर होगा बी, सी नंबर। ए आपका 2 दिया है, बी 3 दिए थे, सी आपका 4 दिए, डी नन ऑफ डी दिए हैं, इसका आंसर होगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 लिखे थे कि द कॉस्ट ऑफ 10 चेयर इज, द कॉस्ट ऑफ 10 चेयर इज रुपीज 3,600, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर का कॉस्ट कितना होगा, इसका आंसर भी दिए थे हम लोग ₹36, रुपी दिए थे 360, रुपी दिए 600 और दिए नन ऑफ दिए थे। सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ 10 चेयर इज इक्वल टू रुपीज हो गया आप कहाँ से 3,600 हो गया, इसलिए कॉस्ट ऑफ 1 चेयर को हम लोग इसको 10 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, दोनों को डिवाइड करने के बाद डिवाइड कर, दोनों को डिवाइड के डिवाइड करने के आंसर आया आप कहाँ से 360 रुपीज हो गया, 1 चेयर का कॉस्ट होगा 360, इसलिए इसका आंसर ए में दिया 36, बी में दिया 360 को टिक कर लिया हम लोग है।